बेहतरीन छोले कुलचे वाले की, तो लोटन जी कुलचे वाले का नाम सबसे पहले हमारी जुबान पे आता है। तो जब से मैं दिल्ली आई हूँ, मैंने भी हमेशा यही सुना है कि अगर आप दिल्ली में हो और दिल्ली 6 में हो और आपने लोटन जी कुलचे वाले का छोले कुलचे ट्राई नहीं किया है तो आप कुछ बहुत अच्छी चीज़ मिस कर रहे हो। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर है दिल्ली 6 में चावड़ी बाजार में लोटन जी कुलचे वाले के पास, और आइए जानते हैं कि क्या है इनके टेस्ट में ऐसा खास। कुलचे वाले पे कब से आ रहे हैं? 18 साल हो गए मुझे आते हुए, मुझे कम से कम 30 साल हो गए, जब से मेरी यादाश है 10 इयर्स हो गए, मतलब 18 साल से आ रहे हैं। मतलब 15 साल कंटिन्यू आऊँ और पीछे कहीं चला गया था बाहर, तो अब 6 महीने से कंटिन्यू आ रहा हूँ। स्पेशल स्पेशल सुभाषनगर से आया हूँ खाने के, नंबर 1 पे आ रहा जी, मतलब वो वर्थ है। हाँ, आप जितने मर्जी कुलचे खा लीजिए, ये एक बार खा लेंगे ना दूसरी बार अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि मैंने भी बहुत तारीफ सुनी है। एंड सच बताऊं तो मैंने आज तक कभी ट्राई नहीं करा, आज मैं आई हूं तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी। तो इसमें बहुत मिर्ची हैं, लेकिन जब मिर्ची नहीं खानी तो फिर मत आओ, अगर स्वाद लेना है तो मिर्चियों का लो, मतलब एकदम स्पाइसी, मतलब मजेदार कुछ। पता लगे आप देखिए ना, आपके सामने कितना पसीना छोड़ा, कितना पसीना आ रहा है, लेकिन स्वाद तो है ना। यहाँ भी कुछ मतलब कि बचपन से सिखाया जाता है कि मतलब कि मिर्ची नहीं खानी, मिर्ची खानी, और खानी तो खाओ, खुल के खाओ, नहीं मत खाओ। तो अगर लोटन जी कुलचे वाले को एक शब्द में आपको तारीफ करनी हो तो क्या कहेंगे? अरे नंबर 1 है जी। मैं लोटन जी की 5th जनरेशन हूँ, मेरे फादर 4th जनरेशन है। और किस साल ये स्टार्ट हुआ था? ये मैडम आपका 1918 से शुरू हुआ। 1918 में शुरू हुआ था और इधर ही इसी जगह जहाँ पहले आगे ठिया लगाते थे। अच्छा, दुकान लिए हुए अभी 6 साल हुए। मैं सच बता रही हूँ, मैं खुद पहली बार यहाँ पे आई हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा सुना है लोटन जी कुलचे वाले की, अगर ट्राई नहीं किए आपने तो आपने कुछ भी नहीं किया है। तो मुझे ये पूछना है कि ऐसा क्या वो एक चीज़ अलग है जो जिन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया है? मैडम वही बाबूजी की जो पुराने होते हैं ना, हमारे परदादा, उनकी रेसिपी चलती हुई आ रही है, हमने कोई एक्सचेंज अपनी तरफ से चेंज नहीं किया है। जैसे मसाले वो लाते थे घर में, वही बनते हैं, वही पिसते हैं, वही कूटते हैं, बिल्कुल सेम रेसिपी है, हमने कोई एक्सचेंज नहीं किया है ना कुछ करा है। जैसे पुराने प्याज लहसुन यूज़ ही होते थे, मसाला घर में आता था, कूटता था, अपने हाथों से पिसता था, हम खुद अपने घर पर जाके शाम को तसल्ली से बैठ के रेसिपी तैयार करते हैं। बिल्कुल बॉयल छोले होता हमारा तो, और जो मसाले छुकते हैं वो सरसों के तेल में बनते हैं और लाल मिर्च होती है, धनिया वगैरह सब डलता है। तो अगर आपको कोई बच्चा खाना चाहता है तो वो बच्चे बॉयल चने भी खा सकते हैं, और बाकी स्पाइसी में तो जितना मर्जी अनलिमिटेड जितना आपको चाहिए उतना स्पाइसी मिल सकता है। और छोले कुलचे के अलावा क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है? हमारे छोले कुलचे में मैडम एक तो चने का सूप मिल जाएगा आपको, और बाकी सिर्फ छोले कुलचे ऊपर से धनिया अदरक होता है और हमारा वो आलू ऊपर से लगे रहते हैं, और बाकी वो जो गर्म मसाला की रेसिपी होती है ना वो हमारी पर्सनल होती है, तो वही सब चलती है, वही सीक्रेट है, मतलब जो आप किसी को नहीं बताओगे। आते हैं कस्टमर, वो कहते हैं हमारे को फ्रेंचाइजी दे दो, ये वो फलाना ढिमकाना, तो फादर हमारे जो है वो मना कर देते हैं कि अभी तो फ्रेंचाइजी के लिए सोचा नहीं है सर। तो अभी लोटन जी कुलचे वाले का कोई और ब्रांच दिल्ली में या इंडिया में कहीं नहीं है? नहीं, ब्रांच हमारी दरियागंज में है। अच्छा। और दूसरी कृष्णनगर में है, ठीक है। हमारे दोनों चाचा बैठते हैं, मतलब घर के ही मेम्बर हैं, हम किसी को पार्टनरशिप नहीं देते। तो अगर लोटन जी कुलचे वाले के छोले कुलचे खाने हैं तो एक तो यहाँ आ सकते हैं या दरियागंज जा सकते हैं। यहाँ तो सुबह लग जाती है 7 बजे और यहाँ 2 बजे तक चलती है, और दूसरी लग जाती है 9 बजे दरियागंज में, वो भी 2 बजे तक चलती है, और 9:30-10 बजे के बीच कृष्णनगर में लग जाती है जमुना पार, वो भी 2-3 बजे तक चलती है। मतलब मेन हमारा जो काम है वो लंच तक का होता है। ये जो प्राइस है पर प्लेट की वो क्या है जी? मैडम हमारे पास 2 पीस के कुलचे होते हैं, 2 चीज़ के, एक तो लंबे वाले कुलचे होते हैं वो तो सुबह 7 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं, तो वो आने से पहले ही आपके ख़त्म हो गए हैं। गोल वाले कुलचे होते हैं वो होती है 40 रुपीज़ की प्लेट, और उसमें बटर ऐड हो जाता है तो 20 रुपीज़ बटर के हो जाते हैं, और एक ग्लास पानी होता है वो 10 रुपये का होता है। और जिस तरीके की भीड़ अभी है, जैसे लोग अभी आ रहे हैं, तो मतलब हमेशा ऐसे ही रहता है जब तक छोले ख़त्म नहीं होता ऐसे ही रहता है, ये तो कुछ भी नहीं, अभी तो सुबह इससे पहले आते तो अब बहुत भीड़ होती है। सबसे ज़्यादा भीड़ कितने बजे होती है? सबसे ज़्यादा लोग कितने बजे? सुबह 7 बजे से हो जाती है, कभी भी हो जाती है। अभी मैं किसी से मिली, उन्होंने कहा मैं 18 साल से आ रहा हूँ, किसी ने बोला मैं 10 साल से आ रहा हूँ, 5 साल से आ रहे हैं, हम तो इनके पापा दादा के टाइम से आ रहे थे। तो आपने कभी खुद उनसे पूछने की कोशिश की भाई ऐसा क्या है? नहीं नहीं मैडम, वो ना एक्चुअली फादर साहब के हमारे बाबा के टाइम से आते हैं, तो हमने कभी ऐसा पूछा तो है नहीं उनसे। मतलब ऐसा क्या है कि हर कोई बोलता है, जैसे मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे भी सबने बोला कि अगर आपको छोले कुलचे खाने तो लोटन जी के ही खाने, तो मतलब ऐसा क्या है?
मैडम वही है, रेसिपी चलती हुई आ रही है ना बहुत टाइम हो गया। बताएंगे नहीं, मैं तीन चार बार पूछ लिया ऐसे करके वैसे करके, वो बता नहीं रहे। अच्छा अब मेन जी, अंबानी की प्री वेडिंग वो कैसे हुआ? प्री वेडिंग शूट में तो मैडम एक मतलब सी है कि एक लक होता है ना, लक सा घूम गया था, वो एकदम फ़ोन आ गया सडनली। उन्होंने कहा कि लोटन जी के यहाँ से, वो उनका मैनेजर का फ़ोन आया था हमारे फादर के पास, अंबानी के मैनेजर जी, जी, जी। अच्छा, तो उन्होंने ही हमारी फ्लाइट वगैरह की टिकट वगैरह बुक कराई थी। तो कहाँ गए थे? जामनगर। अच्छा जामनगर, यहाँ से टिकट कराई थी, राजकोट उतरे, इमरजेंसी में उन्होंने टिकट कराई थी। तो आप खुद गए थे? जी मैं खुद। कैसा लगा? ऐसा लग रहा था सपने में, लोगों का तो सपना था यार हम भी जाते। मैं कहता रहा हूँ ऐसा लग रहा था वहाँ पे जाके जैसे मैं सपना देख रहा हूँ। कितने दिन के लिए गए थे? मेरा वहाँ एक दिन का इवेंट था, वैसे मैं वहाँ 6 दिन रहा था, अपना ये मंदिर वगैरह भी होकर आया था, बाकी वहाँ पे जाके तो ऐसा लग रहा था कि बस मेरे को गोल ले लो अम्बानी जी। वहाँ पे किस किस ने छोले कुलचे ट्राई करे आप? मैडम ऑलमोस्ट तो सबने ट्राई करे, अम्बानी सर ने और उनके लड़के ने जो अनंत अम्बानी जी है उन्होंने, शाहरुख खान सर ने, सलमान खान सर ने, कैटरीना कैफ मैम ने और करीना कपूर जी ने और दिलजीत सर जो पाजी हैं उन्होंने किया। दिलजीत जी को कौन नहीं जानता, उन्होंने भी किया। और भी बहुत सारे एक्टर थे जो मैं तो नाम भी नहीं ले सकता, बिल गेट्स वगैरह, पता नहीं कौन कौन थे, मैं तो ऐसा लग रहा था कि भाई यूँ देखते रहो। और जितने लोगों ने वहाँ पे, जितने भी सेलिब्रिटीज़ ने आपके छोले कुलचे वहाँ पे ट्राई करे, शाहरुख खान, सलमान खान, कटरीना कैफ, करीना कपूर, उनका क्या रिएक्शन था? वो ने उन्होंने बिल्कुल नमक नमक के छोले खाए थे, वो बोल रहे थे टेस्टी है ये, उन्होंने बताया कि ये दिल्ली से। मैंने कहा मैम मैं दिल्ली से हूँ, ये हमारे बेस्ट हैं छोले कुलचे। कह रहे ठीक है, कभी टाइम मिलेगा दिल्ली आएंगे तो दोबारा टेस्ट करेंगे। यहाँ तो मेरे पास जाते रहते मैडम, मेरे पास से ऑर्डर, जैसे अक्षय कुमार सर आए होंगे यहाँ पर तो चले गए, और वो रणबीर कपूर के जो फादर साहब हैं उनकी शूटिंग हुई थी यहाँ, एक हफ्ते रुके थे वो, तो उन्होंने डेली एक हफ्ते हमारे छोले खाए थे। तो मतलब इतना कि बॉलीवुड में भी आप छा गए हैं। अभी दीपिका मैडम की शूटिंग हुई थी 2 या 3 साल पहले, कोई मूवी वगैरह आई थी उनकी, तो दिल्ली गेट पर शूटिंग हुई थी, तो उनके लिए भी लगा था स्टॉल, उन्होंने भी खाए थे छोले कुलचे। तो फाइनली टाइम आ गया है, अब मेरे लिए छोले कुलचे की प्लेट यहाँ तैयार होने वाली है, एंड अब खुद तैयार करेंगे। जी जी, मेरे भैया है ना ये हमारे, इनको भी 20-25 साल हो गए। वाओ, तो ये भी आप 20-25 साल हैं। हमारे रिलेशन में लगता है, ये बाबा लगता है। तो क्या क्या जाएगा प्लेट में, आप प्लीज मुझे बताते रहिएगा। बटर में लेंगे, विदाउट बटर? बटर में लेंगे। आप चने का सूप ट्राई करेंगे ना? हाँ, यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं बहुत स्पाइसी है, तो मेरे लिए स्पाइस थोड़ा हल्का, बिल्कुल हल्का। तो बटर डल गया, ये हमारा स्पाइसी मसाला होता है जो डलता है छोलों में। okay, जो रेसिपी है ये अमचूर होता है, ये उबलता है सिर्फ, उबल के बाद इसको छाना जाता है, मशीन में पीसा जाता है। और वो क्या है? ये चने का सूप आपको रेडी मिलेगा। ठीक है, और जो वो तीसरा वाला, वो लाली होती है, सरसों के तेल में पकती है, वो छुपती है सरसों के तेल में, ये है चने, ये आपका चने का सूप तैयार हो गया। इसके ऊपर सिर्फ बटर डाला है और अपना धनिया डाला था। ओके, तो इसे ट्राई कर रही हूँ मैं। दिस इज सो गुड। ये आपके बॉइल छोले आ गए और ये अमचूर की चटनी आ गई। ये होता है काला नमक जो ऊपर से मिलता है स्वाद के लिए। ये स्पाइसी मसाला हो गया जो हमारी रेसिपी तैयार होती है घर में, स्पेशली तैयार होती है। मसाला आप अलग लेंगे ना, और मतलब यही वो सीक्रेट है जो मुझे बता नहीं रहे हो। हाँ यही है, किसके अंदर क्या है। जो मैंने इनसे एक ही सवाल 3 बार पूछा बट इन्होंने जवाब नहीं दिया कि उसमें है क्या। हो गया, ये ऊपर से गरम मसाला लगा देना, ये गरम मसाला, अब ये मसाला आएगा आपके ऊपर से। और ये हमारे कुलचे, और एक प्लेट में दो कुलचे जाते हैं, दो कुलचे होते हैं। हाँ जी, ये वेलकम। एंड फाइनली मेरी प्लेट यहाँ पे रेडी हो गई है, बहुत ही टेस्टी ये देखने में लग रहा है और बहुत ही स्पाइसी भी। तो चलिए अब मैं और मेरे कैमरा पर्सन राजवीर जी यहाँ ट्राई करने वाले हैं इसे। तो पहले हम ये ट्राई कर रहे हैं। लोटन जी कुलचे वाले के यहाँ पे आप कब से आ रहे हैं? मुझे कम से कम 30 साल हो गए, जब से मेरी यादाश्त है।
क्या है ऐसा वो एक चीज? देखो, खाने की चीज में सिर्फ स्वाद होना चाहिए तो आदमी जाता है। स्वाद ही नहीं होगा तो 10 साल भी क्या, एक दिन भी नहीं जाएगा। तो मतलब स्वाद होना जरूरी है। तो मतलब स्वाद ऐसा है कि टोटली वर्थ इट है। टोटल वर्थ है, टोटल वर्थ है। हर दिन आते हैं आप? हफ्ते में दो बार आना बनता है। बट मैंने सुना बहुत ज्यादा स्पाइसी है, तो इतना वो तो कस्टमाइज करा लो ना अपने हिसाब से। आप स्पाइसी खाओ, नॉर्मल खाओ या हल्के खाओ। आपका नाम? सुरभि। सो सुरभि, कहाँ से हैं आप? हम लोग द्वारका। तो आज आप पहली बार यहाँ पे आए हैं? मैं फर्स्ट टाइम। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम है आज। तो किसने आपसे कहा था कि यहाँ आना है, ट्राई करना है? हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा था, बहुत सुना था, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है। हमने कहा चलो एक्सप्लोर करते हैं नई चीज़। मतलब इतनी, एक तो सैटरडे के दिन इतनी सुबह सुबह द्वारका से, आई कैन फील यू। सो यहाँ आना, इतनी मेहनत करके सुबह उठकर, इज इट वर्थ? यस, इट इज वर्थ द हाइप। तो कैसा लगा आपको टेस्ट? अच्छा था, मेरे लिए थोड़ा स्पाइसी था क्योंकि मैं कम स्पाइसी प्रेफर करती हूँ। आप कब से आ रहे हैं लोटन जी? सो इट्स बीन क्लोज टू आई वुड से 10 ईयर्स हो गए। द फर्स्ट टाइम आई केम वाज इन 2012। ओके, तब से आ रहा हूँ एंड इट्स बीन अराउंड अबाउट 7 to 8 टाइम। मतलब 7वीं 8वीं बार आया हूँ, हर साल में एक बार। साल में एक बार आप आते हैं? कहाँ से हैं आप? दिल्ली द्वारका। अच्छा, दिल्ली द्वारका से। तो क्या है ऐसा टेस्ट में कि आपको बार बार आने पे वो मजबूर कर रहा है? इट्स ऑल अबाउट स्पाइस, टू बी ऑनेस्ट। एंड यू लाइक स्पाइसी? यस। इफ समवन लाइक्स द स्पाइसी फूड देन इट्स अ मस्ट। तो यहाँ पर मैंने ट्राई किया लोटन जी छोले कुलचे वाले के छोले कुलचे, एंड टू बी ऑनेस्ट, जितना लोग इसे हाइप करते हैं, जितनी लोगों ने इसकी तारीफ करी है, मैं यही कहूँगी कि टोटली बनता है। तो अगर आप दिल्ली 6 में हैं, आप चावड़ी बाजार में हैं और आपने लोटन जी छोले कुलचे वाले के छोले कुलचे ट्राई नहीं किए हैं, तो दिस इज़ योर साइन। यहाँ पर आइए, इसे ट्राई ज़रूर कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड कीप वॉचिंग अनकट।